एक बार किसी बौद्ध भिक्षु से कोई पूछता है कि बुद्ध के बालों की बनावट इतनी अलग कैसे थी। बहुत सारे लोगों की यह मान्यता है कि बुद्ध के सर पर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जीव थे जो उनके बालों की बनावट अलग दर्शाते थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध एक ऐसे प्रदेश में रहते थे जहां बाल घुंघराले हो जाते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि सच्चाई क्या है, बुद्ध के बालों के पीछे का रहस्य क्या है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारे भीतर यह प्रश्न क्यों उठा और इस प्रश्न का उत्तर पाने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है। वह व्यक्ति उत्तर देता है, मुझे बुद्ध में रुचि है, इसीलिए मैं बुद्ध के बारे में जानना चाहता हूं। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, तुम्हें बुद्ध में रुचि नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें बुद्ध में रुचि होती तो तुम उन्हें सुनते और उन्हें समझते, ना कि इस तरह के गलत प्रश्नों में फंसते। बुद्ध ने संसारी जीवन के बारे में बताया, सन्यासी जीवन में व्यक्ति की उन्नति कैसे हो, बुद्ध ने इसके बारे में बताया। बुद्ध ने बताया कि जीवन के दुखों का अंत कैसे होगा। बुद्ध ने बताया कि ध्यान कैसे किया जाता है। लेकिन तुमने बुद्ध की सारी बातों को छोड़कर बस उनके बालों को समझना चाहा। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं है, तुम्हें अपने मन की खुजलाहट में रुचि है। तुम चाहते हो कि किसी तरह से तुम्हारे मन की खुजलाहट मिट जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे मन की खुजलाहट मिटा देता हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, बुद्ध के बाल साधारण मनुष्य जैसे ही थे, उसमें कोई भेद नहीं था। परंतु क्योंकि बुद्ध ने कई वर्षों तक तपस्या करी, बुद्ध ने ऐसे ऐसे कार्य करे जो कि एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, इसीलिए बुद्ध को एक साधारण मनुष्य से अलग दिखाने के लिए इस तरह की चित्रकारी करी गई। गौतम बुद्ध की आभा वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी, बहुत चमकदार थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध के सर के पीछे सूर्य घूमता रहता था जैसा कि चित्रों में दिखाया जाता है। अगर पीछे सूर्य घूमता रहता तो कोई व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक कैसे पाता, कोई व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कैसे कह पाता। बुद्ध बिल्कुल सामान्य मनुष्यों जैसे ही थे, बस अंतर इतना था कि उनके चेहरे का तेज अन्य लोगों से अलग था, उनका आभा मंडल अन्य लोगों से अलग था। क्या अब तुम्हें समझ आ गया है कि बुद्ध के बाल कैसे थे। वह व्यक्ति कहता है, जी महात्मन, मैं समझ गया हूं। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, पर यह सत्य है कि इस तरह के प्रश्न ये दर्शाते हैं कि मनुष्य की सोच कितनी छोटी है, उसका उद्देश्य कितना छोटा है। अगर तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे तुम्हारा उद्धार हो, ऐसे प्रश्न नहीं जो तुम्हारे मन की खुजली मात्र हों।